नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज दिवाली है, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं इस दिवाली में फुलझड़ियां कुछ ऐसी जले कि आपके जीवन में कभी भी रोशनी की और खुशियों की तो कमी ना हो। इस दिवाली के पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आया जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अगर आप एक कॉरपोरेट लीडर हैं, इंडस्ट्री के लीडर हैं, या किसी तरीके का बिजनेस रन कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो आपके बहुत काम का वीडियो है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉरपोरेट के अंदर शुरुआत में या हमेशा रहने वाली तीन दिक्कतें होती हैं, तीन प्रॉब्लम होती है। वो क्या होती है? सबसे पहली वो ये है कि हम पैसा कहाँ से जुटाएंगे, कैसे जुटाएंगे। दूसरे प्रॉब्लम ये होती है, हमारा कॉम्पिटिटर हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तीसरी दिक्कत ये होती है कि हम अपने एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करेंगे, कैसे उनको अपने मिशन में एंगेज करेंगे, कैसे उनसे अपना जो काम है, अपना जो मिशन है, उसको अचीव कराएंगे। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, तीसरी दिक्कत का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसके अंदर मैं आपको पाँच ही पॉइंट बताऊँगा। अगली वीडियो में मैं आपको पाँच और बताऊँगा, उसको भी बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि आप इस वीडियो को एक एम्प्लॉय के नज़रिए से देखिए। आप जब तक इसको एक एम्प्लॉय के नज़रिए से नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय क्या सोचता है अपनी कंपनी को लेकर। तो बस इतना ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। आप अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो, वो चीज़ आप सोच कर रखिए। आप उनको किसी तरीके का मेडिकल इंश्योरेंस दे सकते हैं, किसी तरीके की उनके लिए टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान्स या पॉलिसी, कुछ भी ऐसा करिए जिससे उसको कंफर्ट मिले। आपके एम्प्लॉय को कंफर्ट मिलेगा, वो एकदम फील फ्री करेगा, एकदम फ्री फील करेगा। जब ऐसा होगा तो आपका एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ेगा भी, कनेक्ट भी करेगा और आपके मिशन को भी अचीव करके देगा। ये चीज़ें होंगी तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपके कॉरपोरेट का भी बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट है कन्विंस। अगर आपका एम्प्लॉय आपके ऑफिस से दूर रहता है तो आप उसको कन्विंस करके दीजिए। कन्विंस का जब आप उसको अरेंजमेंट करा के देंगे ना, तो आपका एम्प्लॉय एकदम कंफर्ट फील करेगा कि मेरे को तो घर से गाड़ी लेने आती है। या मेरे को जब ऐसा होता है तो आपका एम्प्लॉय जो है, ये समझ लीजिए, एकदम फ्री फील करता है। जब ऐसा होगा ना तो आपका एम्प्लॉय कंफर्टेबल होगा, आपको कनेक्ट कर पाएगा, आपके मिशन को कनेक्ट कर पाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपका मिशन बहुत जल्दी अचीव होगा। कोशिश करिए कि आपका जो एम्प्लॉय अगर किसी दूसरी सिटी से माइग्रेट कर रहा है तो आप उसको अपने ऑफिस के पास ही कहीं पर अकोमोडेशन देने की कोशिश करिए। जब ऐसा होगा तो आपका एम्प्लॉय आपके पास टाइम टू टाइम आएगा, और टाइम टू टाइम आएगा तो आप उससे, हो सकता है, समय से ज़्यादा भी काम करा सकते हैं। उसकी जो जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप उससे 10 घंटे 12 घंटे भी काम करा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उसको कन्विंस जो है पैसे के फॉर्म में भी दे सकते हो। कैसे कि उसका जो डेली का आने जाने का जो वेजेज है, उनको आप डिवाइड कर लीजिए कि आधा मैं दूंगा, आधा आप लीजिए, या पूरा आप दीजिए। जो भी कुछ करें, आप अपने एम्प्लॉय को कंफर्ट दीजिए। जब ऐसा होगा तो आपका एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और जुड़ेगा भी। तीसरा पॉइंट है फूड फैसिलिटी। फूड फैसिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि देखिए, हर एक इंसान के दिल में उतरने के लिए, उसको कहते हैं ना कि जो मीठा होता है वो इंसान के दिल में उतरता है। तो जब ऐसा होता है तो आप कोशिश करिए कि उनको फूड फैसिलिटी दीजिए। फूड कैसे कि जब आपका, अगर आपको अपने एम्प्लॉय को सुबह जल्दी बुलाना है, 10 बजे की बजाय 8 बजे बुलाना है, तो आप उसके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करके दीजिए, ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करके दीजिए। और जब वो जल्दी आएगा तो अपना लंच भी नहीं लेकर आएगा, और लंच नहीं लाएगा तो आप उसका लंच का अरेंजमेंट कीजिए। अगर आपको उसको रात में भी लेट काम कराना है, नाइट भी ड्यूटी लगवानी है उसकी, तो आप उसको जो है डिनर का अरेंजमेंट करा के दीजिए। जब ऐसा होगा तो आपका जो एम्प्लॉय है कम्फर्ट फील करेगा, कहता मेरे को जल्दी जाने में दिक्कत क्या है, नाश्ता वहाँ से मिलता है। जब ऐसा होता है, खाना भी वहाँ से मिलता है, और अगर लेट काम करूँगा तो जो रात का खाना है वो भी वहाँ से मिलता है। तो हमें दिक्कत क्या है, मैं रात भर काम करूँगा अपने कंपनी के लिए, मैं भी अपने एम्प्लॉयर के सपने को पूरा करके दूंगा, उसके मिशन को पूरा करके दूंगा। जब ऐसा होता है ना तो आपका एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ता है, और जब वो जुड़ता है तो बहुत कुछ होता है, बिलीव भी बहुत कुछ होता है। चौथा पॉइंट है, वो भी बहुत शानदार पॉइंट है, वो पता है क्या है कि आप जो है एक गुड कम्युनिटी फॉर्म कीजिए। आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में 100 बंदे काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि 100 के 100 एम्प्लॉय आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उनको बाउंडेशन बहुत अच्छी हो उनके बीच में। और जब ऐसा होता है तो आपका जो एम्प्लॉय है या आपकी जो कंपनी है, वो बहुत अच्छी रेट से एक हेल्दी फॉर्म में चलती है। अगर उसमें थोड़े से भी मतभेद आ जाते हैं
तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी हो सकता है। ये चीज़ आपको समझने की कोशिश थोड़ी सी करनी है। आप कोशिश करिए कि उनको महीने में मंथली या उनको वीकली उनको आउटिंग्स पर भेजिए, आउटिंग्स पर उनको डिनर भी बाहर करा कर दीजिए, या आप जो है उनको कोशिश करिए कि 100 बंदे तो उनको 10-10 के ग्रुप बना दीजिए और हर ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे दीजिए जिससे 10 बंदे मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपस में वो लोग कम्युनिकेट भी करेंगे, जब कम्युनिकेट करेंगे तो उनके माइंड खुलेंगे, जो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपस में खुलेगी, वो आपस में एक परिवार की तरह रहने की कोशिश करेंगे। और जब वो ऐसा होगा उनका परिवार घर की बजाय यहाँ पर भी बनेगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपका एम्प्लॉय आपके साथ में कनेक्ट कर पाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आप अपने जो कम्युनिटी है उसके अंदर कोशिश करिए कि उनको एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसको आप उन्हें दीजिए कि आपको इसके सॉल्यूशन निकाल कर देने हैं। और बिलीव मी, वो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकाल कर देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है ऑफर देम अ ड्रीम। ये बहुत शानदार पॉइंट है और हर कॉरपोरेट के लिए बहुत शानदार है। वो कैसे कि आप उनको उनकी ड्रीम को ऑफर कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वो आपने उसके दिल को ही छू लिया। ये बहुत शानदार पॉइंट है। वो पता है कैसे कि अगर आपके एम्प्लॉय को किसी तरीके की एजुकेशन लेनी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप वो पैसा लगा दीजिए। बस उसके बदले में आप उससे बोलिए कि आपको हमारी कंपनी में 5 साल का बॉन्ड देना होगा, या 2 साल का बॉन्ड देना होगा, या 4 साल का बॉन्ड देना होगा। जब ऐसा होता है तो आपका एम्प्लॉय आपसे जुड़ेगा भी, क्योंकि आपने उसके दिल को छू लिया है। आपके एम्प्लॉय को अगर किसी तरीके की कार लेनी है, कोई लैपटॉप लेना है, कोई महंगी चीज़ लेनी है, घर लेना है, तो आप उसको करा कर दीजिए, उसका पूरा अरेंजमेंट करके दीजिए। कोशिश करिए कि आप जो है उसके, अगर जैसे घर लेना है तो डाउन पेमेंट आप कर दीजिए, EMI वो खुद भरता रहेगा। ये चीज़ें आपके एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा कम्फर्ट देंगी। और अगर उनकी एज ज़्यादा है, उनके बच्चे हैं, तो कोशिश करिए उनसे ये बोलिए कि आप सिर्फ 5 साल या 10 साल तक हमारे यहाँ पर टिकिए, हम आपके बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे। अगर उनके पास बेटी है तो ये करिए कि आप जो है 10 साल तक हमारे पास रुकिए, हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे आपकी बेटी की शादी के लिए, जो कन्यादान होता है उसमें पैसा हम जमा करेंगे, वो जब आपकी बेटी की शादी होगी ना तो हम अपने ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपनी बेटी की शादी में। जब ऐसा होगा तो आपका एम्प्लॉय आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेबल फील होगा। जब कनेक्टेबल फील होगा तो वो आपके जो गोल है उसको अचीव करने में किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ेगा। और जब ऐसा होगा ना तो आपका गोल तो बहुत जल्दी अचीव होगा। और वो जो मैं कहता हूँ ना, वैसा तो हमेशा होते रहेगा। वो कैसे कि मज़ा तो जब ही आएगा जब आपका धंधा ऊपर जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जभी तो हमारा कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी होगी ना। और हमारी कम्युनिटी कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। और देखिए, हम आने वाले कुछ साल में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज दिवाली है, कोशिश करिए कि कम से कम क्रैकर्स को जलाएं, क्योंकि क्रैकर्स जितने कम होंगे या ना ही जलेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। और हम सभी चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए, तो कोशिश करिए कम से कम क्रैकर जलाएं।